शाहिद ने अपनी एक शिकायत के जरिए आलिया भट्ट की पर्सनल लाइफ की सबसे बड़ी सीक्रेट रिवील कर दी है। शाहिद कपूर की शिकायत एग्जैक्टली है क्या, पहले आपको हम ये सुनाते हैं और फिर आपको आलिया के उस सीक्रेट के बारे में भी हम जरूर बताएंगे। What I don't like about her is that her phone's always busy, she never takes my call. सुना आपने, आलिया शाहिद कपूर का फोन नहीं उठाती और इसकी वजह है आलिया के बॉयफ्रेंड। जी हाँ, आलिया किसी के साथ आजकल फोन पर घंटों बिजी रहती हैं। ऐसे में वो शाहिद कपूर का फोन नहीं उठाती हैं। What I don't like about her is that her phone's always busy, she never takes my call. अब आलिया का स्पेशल समवन कौन है ये हम आपको नहीं बताएंगे, आप खुद शाहिद कपूर से आलिया के उस स्पेशल समवन का नाम सुन लीजिए। Sid marketing. जी हाँ, शाहिद कपूर ने सिद्धार्थ मल्होत्रा को सिड मार्केटिंग का नाम दे दिया है और जैसे ही शाहिद ने सिड का नाम लिया, देखिए कैसे आलिया शर्मा सी गयी। She's always talking to Sid marketing. शाहिद कपूर ने इनडायरेक्टली ही सही आलिया की पर्सनल लाइफ की बहुत बड़ी सीक्रेट रिवील कर दी है। आखिर आलिया अब तक सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ अपने रिश्ते की न्यूज को सबसे छिपाती जो आई है। हाल ही में जब हमने आलिया से सिद्धार्थ मल्होत्रा को लेकर सवाल पूछा था तो उस वक्त भी ज्यादा कुछ न कहते हुए आलिया ने बहुत कुछ कह दिया था। He really coolly said and asked on marriage that both Alia and me are, you know, very focused on our careers and marriage is the later game. But he hasn't denied the whole thing as well. That's very interesting. Maybe. But you agree with him on this? I mean, of course, you started your career, shaadi to do. I have always said that I'm only 22. There's no need to be getting married right now. And yeah, I'm very, very happy just focusing on my work. And you can see how hectic it is. But yeah, I'm focusing on this. साफ है, बॉलीवुड की सबसे नई प्रेम कहानी की शुरुआत हो चुकी है और इस बात को हमारे किसी सोर्स ने नहीं बल्कि आलिया के अच्छे दोस्त शाहिद ने कंफर्म कर दिया है। फारुद रानी चटोराज, जूम, मुंबई।